तथागत बुद्ध का पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलिय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे।